वेलकम बैक दोस्तों, इंस्टा 360 ने लॉन्च कर दिया है अपना नया एक्शन कैमरा 360 एस प्रो 2। और पहले भी इंस्टा 360 ने अपने एस प्रो के साथ हमको चौंका दिया था, लेकिन क्या एस प्रो 2 आपको सच में लेना चाहिए, क्या ये अपग्रेड के लायक है, इस वीडियो में जानते हैं। कल रात को ये कैमरा लॉन्च हुआ गाइज, और मैंने इंस्टा 360 एस प्रो को उसके एस प्रो 2 के साथ कंपेयर करा और आई वाज शॉक्ड। इंस्टा 360 में मिलता है आपको फ्लैगशिप सेंसर को इंजीनियर्ड विद लाइका, और लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है विद AI नॉइज रिडक्शन। और फ्लिप स्क्रीन की बात करें, यहाँ पे आपको 2.4 इंच की फ्लिप स्क्रीन मिलती है जो इनका ओरिजिनल कैमरा था। अब एस प्रो 2 में इन्होंने दे दिया है आपको नेक्स्ट जेन 8K सेंसर, और साथ में आपको मिलता है डुअल AI चिप फॉर सुपीरियर इमेज क्वालिटी। लो लाइट में ये कैमरा भी बढ़िया काम करता है है, और आगे की ओर आपको मिलेगा रिमूवेबल विंड गार्ड फॉर क्लियरर ऑडियो। अब फ्लिप स्क्रीन की बात करें, यहां पे इन्होंने कर दिया है इसको 2.5 इंच का टच स्क्रीन। फोटोशूट की बात करें तो एस प्रो में आप 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकते हैं, और ज्यादा अपग्रेड प्रो 2 में नहीं दिया है भाई, सिर्फ 50 मेगापिक्सल का अपग्रेड है, 2 मेगापिक्सल का अपग्रेड यहां पे आपको मिलता है। दोनों ही कैमरा के साथ आप 8K वीडियो शूट कर सकते हैं, और दोनों ही कैमरा में अगर हम फ्लो स्टेबिलाईजेशन की बात करें, 360 होराइजन लॉक की बात करें, दोनों में आपको सेम फीचर्स ही मिलेंगे, कुछ अलग से आपको एस प्रो 2 में नहीं मिल रहा है। बैटरी की बात करें तो एस प्रो जो मेरा ये पहला कैमरा है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है और 1650 mAh की बैटरी मिलती है। प्रो 2 में इसको 1650 की जगह अब 1800 mAh की बैटरी कर दी है, विच अगेन आई फील इतना ज्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है। एस प्रो के साथ आप अराउंड 100 मिनट्स तक शूट कर सकते हैं, और अगर हम प्रो 2 की बात करें इसमें आप 112 मिनट तक शूट कर सकते हैं। अंडर वाटर की बात करें तो एस प्रो को आप 33 feet 10 मीटर तक अंडर वाटर ले जा सकते हैं, और प्रो 2 को 10 मीटर की जगह आप 12 मीटर तक कर सकते हैं। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है यार, आईफोन 15 और 16 वाला ना, इतने से माइनर से चेंजेस हैं जो आपको प्रो 2 में मिलेंगे। दोनों कैमरा में आपको फ्लिप स्क्रीन मिलती है जो कि टच है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, आई बीन यूजिंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एस प्रो में आप 8K 24fps पे शूट कर सकते हैं, और अब जो नया एस प्रो 2 है 8K आप शूट कर सकते हैं एट 30fps। अब ओवरऑल अगर आप मेरा वर्डिक्ट पूछो, मतलब आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट, मतलब मेरे पास एस प्रो है, मैं इस पे पैसा खर्च करके एस प्रो 2 नहीं लेना चाहूंगा, मुझे ये अपग्रेड वर्थ नहीं लग रहा। और अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास कोई एक्शन कैमरा नहीं, आपका पहला एक्शन कैमरा होने वाला है, तब आप डेफिनेटली इस कैमरा को ले सकते हैं। अगर बजट कंस्ट्रेंट है गाइस, डेफिनेटली आई वुड आस्क यू टू गो चेक आउट डिजिटेक का ये 8K एक्शन कैमरा जो आपको 12,000 रुपए में मिलेगा। इसका फुल वीडियो जो है, मैंने इसका रिव्यू, इसकी फुटेज, सारी चीजें अपने YouTube वीडियो में डाल दी, लिंक मैं ऊपर डाल देता हूं, वहां जाके आप इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी, इसकी ऑडियो क्वालिटी सब कुछ टॉप नॉच है, मतलब कहां हम यहां पे एस प्रो पे 40-45,000 रुपए खर्च करने वाले, यहां पे 12,000 में आपका काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एस प्रो 2 को लेना, अपग्रेड करना एस प्रो से, इज नॉट वर्थ इट, अपने पैसे खराब मत करें। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।